तो लाइटर लेते हैं और डेफिनेटली वी आर बर्निंग दिस टिश्यू, ठीक है, इसको पूरा बर्न कर देते हैं और अब ये बर्न हो रहा है और अंदर अब हवा काफी गर्म हो चुकी है। तो इस पे बलून रखते हैं, देखो क्या होता है, हमने बलून रखा और बलून अंदर चला गया, देख लो बलून अंदर चला गया क्योंकि यार एयर एस्केप हो गई थी, एयर हल्की हो गई थी, एयर केम आउट और ये सक्शन से बलून अंदर चला गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो चुका है, उसकी वजह से मैंने इस ग्लास को उठा लिया। अब देखो हमने मेम्ब्रेन बना लिया, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी मेम्ब्रेन बन चुकी है, ठीक है ना। अब इससे आप देख सकते हैं ये फ्लैट है, इसका मतलब अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यार अगर मैं इस ग्लास को हीट करता हूं तो ये मेम्ब्रेन के साथ क्या होना चाहिए, आपको लग रहा होगा मेम्ब्रेन अंदर जानी चाहिए, ठीक है, बट एक बार देखते हैं होता क्या है, है ना, देखते हैं। तो जल्दी से बताइए PV = NRT जो भी लगाना है यार, ये ऐसे क्यों हुआ, ठीक है, ये तो कमेंट्स में तुम बता सकते हो। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट। और ऐसे शॉट्स के लिए सब्सक्राइब करना YouTube चैनल और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना।